हाई गाइज टू मेन पॉइंट टू भी कंसिडर्ड के नंबर वन की स्लॉट थ्री स्लॉट फोर वालों का क्या होगा बिकॉज दिस नोटिस साउंड मेनली फॉर स्लॉट वन एंड फिफ्थ स्लॉट टू स्टूडेंट्स नंबर टू कुछ बच्चों का एग्ज़ाम पूरा कैंसिल ही कर दिया गया सो इफ यू लुकेट पॉइंट है नंबर टू दो स्टूडेंट जिनको वन एट्टी मिनट दिए गए थे ठीक है उनका एग्जामिनेशन इज कैंसल्ड उनको री एग्ज़ाम देना ही देना है ठीक है उनको कैसे पचे लगा भैया सिस्टम में सब आता है सिस्टम में तुमने हर क्वेश्चन पे कितना टाइम डाला है वो भी दिखाता है तो ओवरऑल टाइम तो दिखाएगा दिखाएगा तो अब ले के चलो जिसको 150 मिनट से ज़्यादा मिला है उसका कैंसल है ही है पॉइंट नंबर वन ठीक है उसका एग्जामिनेशन कैंसिल ट्वेंटी ऑफ अप्रैल को आपको एग्ज़ाम okay. देना पड़ेगा पॉइंट नंबर वन ठीक है नाउ कम मै सेकेंड पॉइंट जिसको टेक्निकल इश्यूज आए थे उनको भी री एग्ज़ाम देने को मौका दिया जाएगा ठीक है अब बस पंगा यह है कि ये जिस जिसका वन मिनट ये दी कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम सिक्स से लेकर एलेवेंथ तक आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हो री एग्ज़ाम के लिए ओके तो जैसे कल ये फॉर्म खुलेगा लास्ट ईयर इंजीनियरिंग सी ई टी सेल में सा ऐसे हुआ था उन्होंने क्या किया था ये लिंक क्रिएट कर दिया था उस पर जाकर तुम कर सकते तो स्लौर्ट स्लौर्ट हो तो स्लॉट वन एंड स्लॉट टू वाले मेनली इसमें कवर्ड हो गए स्लॉट थ्री एंड स्लॉट फोर वाले एज ऑफ टुडे दर इज़ नो एग्जामिनेशन हैपन अनलेस दे कंसिडर दिस 85 फाइव क्वेश्चन मैथ्स जो मेरे 85 फाइव क्वेश्चन आए हैं उसको अगर ये लोग अलग से काउंट करते हैं कि दिस इज अ टेक्निकल इशू देन री एग्जाम होगा दो साल पहले भी ये प्रॉब्लम आई थी हमने केस किया था लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया ऑफ दैट केस विद 85 फाइव क्वेश्चन वाला केस ठीक है तो लेट्स वेट एंड वॉच इस बार ये लोग मान रहे हैं कि हमने ये गलतियाँ हुई हैं तो लेट्स होप कि शायद ये भी काउंट किया जाए तो स्लॉट थ्री वालों को भी फायदा होगा सो लेट्स वेट एंड वॉच अभी क्या होता है ऑल द बेस्ट